मैं दीपक तलवार फरीदाबाद सेक्टर कोंडा में रहता हूँ। मेरे को थोड़ी चेस्ट की प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद मैं डॉक्टर घई के पास गया था। डॉक्टर घई ने मेरे को रेफरेंस दिया डॉक्टर चौहान का, तो इमीजिएटली मैं डॉक्टर चौहान के पास आया एंड ही वॉज वेरी गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ मी इमीजिएटली। उसके बाद कुछ उन्होंने ब्लड टेस्ट किए, कुछ और टेस्ट किए, उसके बाद मैं वापस चला गया। 6:30 बजे फिर डॉक्टर साहब का फ़ोन मेरे घर में आया कि तुम्हारी रिपोर्ट ठीक नहीं है, प्लीज़ कम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। मैं 7:15 बजे हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर साहब ने सारे अरेंजमेंट किए हुए थे, जबकि स्टाफ घर जा चुका था। उनको बुला के उन्होंने एंजियोग्राफी का अरेंजमेंट किया सारा। आई थिंक दो तीन घंटे एंजियोग्राफी हुई है मेरी, और उन्होंने बोला कि तुमको ऑलरेडी अटैक आ चुका है, तुमको पता नहीं है, और उन्होंने एक स्टेंट डाला मेरा। उसके बाद मेरे को शिफ्ट किया CCU में, डिपार्टमेंट के कार्डिक केयर यूनिट डिपार्टमेंट को ही है, वहाँ शिफ्ट किया। और वहाँ फिर डॉक्टर साहब मिलने आए मेरे को, उन्होंने मेरे से पूछा क्या तबीयत कैसी है, एवरीथिंग वाज ऑल राइट एंड द स्टाफ इन CCU वाज अबव एक्सीलेंट, दे आर टू गुड, आई कांट इवन इमेजिन हाउ गुड दे आर टू गुड। आई वाज देयर फॉर वन नाइट, नेक्स्ट डे आई शिफ्टेड थ्रू द रूम हियर अगेन। डॉक्टर साहब के सुबह फिर डॉक्टर साहब आए, दोपहर को फिर डॉक्टर साहब पूछने के लिए आए, द स्टाफ इज़ वेरी गुड, I am feeling much better now and thanks to Dr. Chauhan that everything was done on time and I am today going home safe and sound. Thank you. Mr. Deepak Talwar ji ke chhati mein dard tha aur unhe 2-3 din se ghabrahat ho rahi thi. Unke bahut hi kareebi mitr Dr. Ghai sahab ne unhe yahan bheja tha jaanch ke liye aur humne unhe usi raat ko angiography le liya aur humne paya ki unki daini taraf ki artery mein 90-99% का ब्लॉक था और उसे मैनेज करने के लिए हमने एक तार डाली, गुब्बारे से रास्ता बनाया और उसमें दुनिया का सबसे उत्तम स्टेंट जिसे हम रूटीनली यहाँ इस्तेमाल करते हैं उससे हमने उसकी स्टेंटिंग की। और उनके आने के आधे घंटे पश्चात वे बिल्कुल स्वस्थ थे, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और एक दिन बाद उन्हें घर भी डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इससे हमें ये समझ में आया कि हमें जागरूक रहना है और किसी भी कष्ट पर घर पर नहीं रहना और इमीडिएटली एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के लिए हार्ट के डॉक्टर साहब के पास जरूर मिलना है।